आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कंप्लीट गाइड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का, कि आप जंगल सफारी की बुकिंग कैसे कर सकते हैं या फिर रूम्स की बुकिंग कैसे कर सकते हैं, रूम्स कैसे होते हैं, जंगल सफारी कैसी होती है, कौन सा बेस्ट टाइम होता है और अदर एक्टिविटीज जो आप करना चाहें तो वहाँ पर कर सकते हैं। ये जो रास्ता है वाल्मीकि नगर जाने का रास्ता है, रास्ते में आपको ये बहुत ब्यूटीफुल सा डैम मिलेगा जहाँ पर आप 2 मिनट गाड़ी रोक के या फिर कहीं किसी चीज़ से भी जा रहे हैं तो वहाँ पर रुक के और इसका आनंद लीजिए। क्योंकि Hi guys, this is me Alice Swift. Welcome back to my channel and I'm back with another vlog. So, आज हम फिर से एक नया, एक मेरा अपने मंगूरा डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया का जो है टाइगर रिजर्व जंगल सफारी का वीडियो देखा था, वो एक्सपीरियंस तो अमेजिंग था ही, बट आज मैं फिर से पहुंच गई हूँ वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जो कि बहुत ज़्यादा यू नो फेमस है और लोगों के मुँह से बहुत सुना है। मेरा बहुत मन था कि एक बार ज़रूर आऊँ, तो उसको एक्सप्लोर करने मैं पहुँच गई हूँ। ये नेपाल से बहुत पास में है और यस, इसके भी बुकिंग्स ऑनलाइन होते हैं, तो रूम मैंने भी एसी स्वीट रूम बुक किया है। यहाँ पे ट्री हाउस का भी ऑप्शन है, जैसे कि ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ट्री हाउस है, बट मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। एंड सबसे महंगा एसी स्वीट रूम था, तो मैंने सोचा ज़्यादा बेटर वो होगा, तो मैंने वो बुक किया। उसके बाद जंगल सफारी के लिए बुक किया और बाकी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने को, जिसको आप यहाँ पे आके जो है वो कर सकते हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ, उसके बाद मैं अभी दिखाती हूँ पूरे एरिया को। एंड यहाँ पर रिसेप्शन काउंटर है जहाँ से हम बाकी सारे डिटेल्स जो है वो यू नो ले सकते हैं और पूछ सकते हैं। एंड देन अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद हमारी इवनिंग में जंगल सफारी है, तो हम जंगल सफारी के लिए जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरिस्ट स्पॉट, जैसे कि यहाँ जंगल सफारी तो हम ले ही रहे, बोट सफारी, उसके बाद कोलेश्वर झूला, रिवर फ्रंट, इको पार्क, वाल्मीकि विहार, गंडक बैरेज, ये सब आप घूम सकते हैं और ये सब आप रिसेप्शन काउंटर से ले सकते, पूछ सकते हैं सारी डिटेल्स। रूम में चेक इन कर लिया है और जो जंगल सफारी की बुकिंग है ना वो इवनिंग की है, लाइक 4:30 की है, 1.5 घंटे का है, वो भी ऑनलाइन किया था एंड उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। एंड आने से पहले रूम्स हो या फिर जंगल सफारी के टिकट्स जो है वहाँ से बुक कर लीजिए, बट बिकॉज हमारे पास टाइम था और हमने वहाँ पे बोर्ड में देखा, जब आप जाएंगे ना रिसेप्शन काउंटर के पास वहाँ पे बोट सफारी एंड इको पार्क और एक झूला है, लाइक वो ब्रिज होता है जैसे राजगीर में सस्पेंशन ब्रिज है, बिल्कुल उस तरह का है, तो वो सब आप कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास अभी 1-2 घंटे का टाइम है तो हम लोग यहाँ पे बोट सफारी करने आए हैं। तो ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये गंडक नदी है जो कि नेपाल को कनेक्ट करता है, नेपाल से आता है और वहाँ पे एक ब्रिज विजिबल नहीं होगा क्योंकि धुंध है बहुत ज़्यादा, तो आधा बोलते हैं कि इंडिया है और आधा नेपाल है। और अभी इसके टिकट्स जो है आपको ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पॉट पे आके डायरेक्ट टिकट्स बुक कर सकते हैं, 118 रुपीज़ की एक टिकट है, तो यहीं पे आके और टिकट बुक करके जा सकते हैं। तो अभी एक बोट गई हुई है, वो वापस आती है, फिर हम लोग भी जाएंगे। सो गाइस, हमने ले लिया टिकट और जैसा मैंने बताया था 118 रुपीज़ का, और अभी हम जो है बैठ चुके हैं इस बोट में और अभी हम जाएंगे और ये अप्रॉक्स लाइक 15-20 मिनट्स का ये एक राइड होता है, तो देखते हैं कैसा रहता है। और ये गाड़ी हमारी आ चुकी है, हमारी जिप्सी, और भी से में हम जाएंगे।
यहाँ पे गाइस देख सकते हैं बहुत बगल से ये जंगली सुअर दिख रहे हैं और ये नील गाय का सिंह जो निकल गया वो हमेशा रहेगा। देख सकते हैं हमारे बगल से जा रही है ये पिकॉक। वाओ गाइस यहाँ देख सकते हैं इतने झुंड में इतने सारे स्पॉटेड डियर हैं, इसमें मेल फीमेल बच्चे सारे हैं। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये लंगूर भी है। गाइस थोड़ा अंधेरा हो गया बट यहाँ पे देख रहे झुंड में जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बियर को भी देखा था बट वो काफी दूर था तो मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाई। बट यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे, जब देख सकते हैं हम निकलने ही वाले हैं बट यहाँ से आप देख सकते हैं ये जंगली सुअर अब डर के भाग गए। 1.5 घंटे की जंगल सफारी थी, मैं बोलूँगी वर्थ इट थी। मतलब टाइगर तो नहीं दिखा बट बियर दिखा एंड काफ़ी सारे एनिमल्स दिखे। और मॉर्निंग की भी अच्छी होती है बट मुझे लगता है इवनिंग में का भी एक अलग मज़ा है, अच्छा लगा। एंड यस, मतलब प्लान आप ज़रूर कीजिए एक बार, अगर कभी भी मन हो तो आना चाहिए। तो अभी तो मैं जाके थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, उसके बाद हमारा डिनर होगा यहीं के कैंटीन में, क्योंकि आज मैं यहाँ पे रुक रही हूँ तो इसके कैंटीन में हम डिनर करेंगे। ऑप्शंस हैं वहाँ से, हम अपने हिसाब से मेन्यू जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो सो गाइज ये है मेरा एसी स्वीट रूम जो लाइक मैंने ऑनलाइन बुक किया था 1680 रुपीस का GST इंक्लूड करके। तो ये एंटर करते कुछ इस तरह का है जहाँ पे हैंड वॉश के लिए है और देन हम यहाँ पे आते हैं तो ये एक लिविंग रूम दिया गया है जिसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टीवी है। और इधर में देखेंगे तो ये है यहाँ का रूम जिसके साथ आप देख सकते हैं वहाँ पे केटल भी दी गई है साथ में। और यहाँ पे डबल बेड है, एक छोटा सा कबर्ड भी है और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पे हीटर भी है। सो गाइस मैं सुबह उठ गई हूँ एंड अब मैं निकल रही हूँ वाल्मीकि नगर से और ये था मेरा वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट, सॉरी टाइगर रिजर्व जंगल सफारी का ब्लॉग। एंड बाकी सारी डिटेल्स जो भी है बुकिंग के वो सारे लिंक मैं डाल दूंगी और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड